देखेंगे भोपाल से आ रही खबर की, जहां पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब शिकायत मिली तो यहां पर लोकायुक्त की टीम शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगुरानी के घर पर पहुंची। छापेमारी के दौरान जूनियर ऑडिटर के घर से कुबेर का खजाना बरामद हुआ, जिसने भी देखा सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। आप भी देखिए, रुपए और डॉलर की गड्डियां हैं, सोने और हीरे की ज्वेलरी है, सोने चांदी के सिक्के हैं। छापे में बरामद दौलत की गिनती हो रही है, नोट गिनने की मशीन भी लाई गई है। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के एक जूनियर ऑडिटर के घर जब लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा तो सब हैरान रह गए। जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगुरानी के बंगले से कैश और ज्वेलरी के अलावा कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। हिंगुरानी के पास 4 लग्जरी गाड़ियां और 5 महंगी बाइक भी मिली हैं। वो जब एनालिसिस हो पाएगा तभी प्रॉपर्टीज की बात कर पाएंगे। अभी केवल जो वैल्यूअर है उन्होंने जो ज्वेलरीज जो अभी मिली हैं उसका लगभग आकलन किया, वो लगभग 70 लाख रुपए के आसपास की ज्वेलरी उसमें प्राइम मिली है। लोकायुक्त की टीम को रमेश हिंगुरानी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी। हिंगुरानी पर भ्रष्टाचार से कमाए पैसों को रियल एस्टेट में निवेश करने का भी आरोप है। हिंगुरानी परिवार के 2 स्कूल हैं, इसके अलावा कई दुकानें भी हैं। फिलहाल जूनियर ऑडिटर रमेश हिंगुरानी के पास से जब्त प्रॉपर्टी की कीमत 90 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। रमेश हिंगुरानी के घर से प्रॉपर्टी के जो कागजात मिले हैं उनकी जाँच जारी है।